सिंगरौली में मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम को देखने बड़ी संख्या में लोग स्टेडियम पहुंचे। इस मौके पर कार्यक्रम 7 नवंबर तक आयोजित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर राजमाता चुन कुमारी स्टेडियम में विधायक रामलल्लू बैस, महापौर रानी अग्रवाल, नगर निगम अध्यक्ष के साथ प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। स्थापना दिवस पर कार्यक्रम 1 नवंबर से 7 नवंबर तक आयोजित होंगे, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ खेलकूद भी आयोजित किया जाएगा। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस को लेकर रामलल्लू वैश ने सभी को बधाई दी है। उन्होंने कहा, सिंगरौली विकास के नए आयाम रच रहा है। यहाँ नए मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज बनेंगे। 67 वर्ष होने के फलस्वरूप में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस हम सब मना रहे हैं। प्रभात फेरी के साथ साथ विभिन्न योजनाओं को मुफ्त रूप देने के साथ साथ सायंकाल में खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किए गए। ऐसे अवसर पर मध्य प्रदेश के विकास की कड़ी को आप देखेंगे तो अनेकों रोज आपको दिखेगा कि नया इतिहास होगा। और सिंगरौली को तो मैं नया मानता हूँ कि नए विकास के रास्ते अनेकों प्रकार के आए। अभी आ रहा है हमारा नया साल, इसी वर्ष में मेडिकल कॉलेज, माइनिंग कॉलेज की भूमि पूजन वहाँ भी होने जा रहे हैं आने वाले समय में, और सब स्वीकृतियाँ प्राप्त तो हो गई है, इसलिए सिंगरौली जिला भी हमारा नंबर वन होगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।